नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 10 टुडे पर और मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे इटली, आज 12 घंटे में कुल 7 मीटिंग में लेंगे हिस्सा, 6 देशों के राष्ट्र अध्यक्षों से करेंगे मुलाकात। अमूल के बाद अब पराग ने भी बढ़ाए दूध के दाम, 1 लीटर पर 2 रुपए की बढ़ोतरी। कुवैत अग्निकांड में मरने वाले 45 भारतीयों के शव लेकर कोची पहुंचा एयरफोर्स का विमान। बाईस जुलाई से शुरू हो सकता है संसद का मानसून सत्र, 9 अगस्त तक चलेगा सेशन। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में 3.0 तीव्रता का आया भूकंप। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का राज्य सरकार पर हमला, कहा जनहित योजनाओं की समीक्षा के नाम पर कोई निर्णय नहीं कर पा रही है सरकार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जैसलमेर में तनोट माता मंदिर में किए दर्शन, बॉर्डर पर जवानों से की मुलाकात। केजरीवाल पत्नी के सामने कराना चाहते हैं मेडिकल, राउस एवेन्यू कोर्ट में लगाई याचिका। थी आज की सुर्खियां, अब आपको बताते हैं खबरों को विस्तार। आज की पहली बड़ी खबर है संसद के मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई। 18वीं लोकसभा का गठन हो चुका है, पीएम मोदी समेत अन्य कैबिनेट मंत्रियों ने पदभार भी ग्रहण कर लिया है। तो अब खबर आ रही है कि 22 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो सकता है। ये मॉनसून सत्र 22 जुलाई से 9 अगस्त तक चल सकता है। ये भी संभावना है कि सरकार मॉनसून सत्र के दौरान 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश करेगी। वित्त मंत्रालय 17 जून तक विभिन्न मंत्रालयों और हितधारकों के साथ अपनी पूर्व परामर्श बजट बैठक के शुरू करेगा। आपको बता दें कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया था, जिसमें पिछले 10 वर्षों के दौरान सरकार की आर्थिक उपलब्धियों और देश की दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने के तरीके पर प्रकाश डाला। दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली के अपुलिया में G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर 2 दिन की यात्रा पर कल रात इटली पहुंचे थे। भारत को सम्मेलन में आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री G7 देशों के नेताओं के साथ साथ आउटरीच देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें और चर्चा करने की भी उम्मीदें हैं। आपको बता दें G7 समूह में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। मोदी ने इटली रवाना होने से पहले कहा था कि सरकार भारत इटली रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि लगातार तीसरे कार्यकाल में उनकी पहली यात्रा G7 शिखर सम्मेलन के लिए हो रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की पिछले साल भारत की 2 यात्राएं द्विपक्षीय एजेंडे में गति और मजबूती लाने में सहायक रही। अगली खबर नीट यूजी एग्जाम को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट एग्जाम के कथित पेपर लीक और अनियमितताओं से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने CBI जांच की मांग वाली याचिका पर नीट एग्जाम करवाने वाली एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA को नोटिस जारी कर उससे जवाब मांगा है। कोर्ट ने NTA की तरफ से दायर याचिकाओं पर जिन छात्रों की याचिका अलग अलग हाई कोर्ट में लंबित है उनको नोटिस जारी कर भी जवाब मांगा है। अदालत ने कहा है कि NTA का जवाब जानना भी जरूरी है। तो वहीं बिहार में कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। आरोप है उन पर कि नीट परीक्षा का पेपर पहले से ही उपलब्ध था उनके पास। अब तक NTA ने इसे लेकर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किसी भी तरह की पेपर लीक की बात से इनकार किया था। वहीं बिहार में जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है उनका कहना ये है कि उनके पास परीक्षा के पहले से ही पेपर उपलब्ध। बढ़ते आगे और बताते हैं आपको मौसम का हाल। मौसम विभाग ने 17 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी, जयपुर, सीकर, दौसा, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में बरसात के साथ तेज हवा भी चल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 4-5 दिनों में राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में दोपहर बाद आंधी और बारिश की संभावना है।
तो वहीं कहीं कहीं हीट वेव भी चल सकती है। इससे तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। चलिए बढ़ते आगे और आपको बताते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जैसलमेर दौरे का आज दूसरा दिन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ प्रहरी सम्मेलन से रवाना हुए। प्रहरी सम्मेलन में बीएसएफ डीजी ने उपराष्ट्रपति को स्मृति चिन्ह दिया। धनखड़ ने बीएसएफ के स्मृति चिन्ह को सिर से लगाकर स्वीकार किया। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सादगी का परिचय दिया। सभी जवानों के साथ फोटो भी खिंचवाई, जवानों से बातचीत की, सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ ग्रुप फोटो लिया। कार्यक्रम में उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ भी उनके साथ मौजूद रही। इसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति बनने के बाद धनखड़ का ये पहला जैसलमेर दौरा। अगली बड़ी खबर कुवैत अग्निकांड से जुड़ी हुई है। कुवैत अग्निकांड में 12 जून से अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 45 लोग भारतीय हैं। आज भारतीय एयरफोर्स के विमान में कुवैत अग्निकांड में मरने वाले भारतीयों के शवों को देश वापस लाया गया। कोची एयरपोर्ट पर भारतीय एयरफोर्स का विमान आज सुबह ही 45 शवों को देश लाया। मरने वाले 45 भारतीयों में से करीब 23 तो केरल से ही थे। इसी बीच कुवैत से एक और झटका देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर कुवैत अग्निकांड में मरने वाले 50 लोगों के अलावा करीब 33 लोग घायल भी हुए थे। घायलों का अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। हाल ही में कुवैत के विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल में जिन घायलों का इलाज चल रहा है, उनमें से एक और व्यक्ति की मौत हो गई है और मरने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक ही है। ऐसे में अब इस अग्निकांड में मरने वाले भारतीयों की संख्या बढ़कर 46 हो गई है। जल्द ही उसके शव को देश वापस लाने का इंतजाम किया जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स टुडे। नमस्कार। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।